गुरदासपुर के एक पादरी जिसने अपने घर विच ही चर्च बनाई हुई सी एक शरदालू लड़की नाल जबर जना करता रहा। जो लड़की गर्भवती हो गई तो उस पादरी वालों एक गैर तजुर्बेकार नर्स वालों गर्भपात करवा दिता गया, पर गर्भपात दौरान हुई इन्फेक्शन कारण लड़की की मौत हो गई। लड़की के पिता की शिकायत से पुलिस उप कप्तान वालों की जांच तो बाद बलात्कार करने वाले पादरी और गर्भपात करने वाली औरत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी देंदे मृतक के माता पिता ने दसिया कि उसकी लड़की जिसकी उम्र करीब 21 साल सी जो कि अनमैरिड सी पास्टर जशन गिल के घर चर्च होने कारण परिवार का उसके घर आना जाना सी। पास्टर जशन गिल ने लड़की की मर्जी तो बिना उस नाल शारीरिक संबंध बनाए जिस करके लड़की गर्भवती हो गई। सिर्फ पादरी और नर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है, पर पादरी का भरा जो कि पिंड का सरपंच है उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया अते ना ही अजे तक दोषियों गिरफ़्तार किया गया। उन्होंने मांग की कि दोषियों जल्द तो जल्द गिरफ़्तार किया जाए और पादरी का साथ देने वाले सरपंच से भी मामला दर्ज किया जाए। मेरा नाम आशा, मेरी बेटी का नाम सोनाली ही, उसका नाम 21 उम्र 21 साल ही। असी पैनी यूनिवर्सिटी चर्च जाते ही उत्थे पास्टर जैशन ने उस बेटी के नाल रेप किया और बेटी प्रैगनेंट हुई तो और पास्टर ने अबॉर्शन करवाया। मेरी बेटी की हालत बहुत खराब हो गई जिदे नाल उहदी मौत हो गई। उस तो बाद साडा एक 45 दिन बाद साडा परजा दर्ज होया जिदे नाल दोषी जिहड़े साडे दोषी आ उन्हां नूं पुलिस फड़दी नहीं पई। उह पुलिस ने कार्रवाई ने जे कोई भी कीती पास्टर जैशन गिल ते बबली नर्स ते सरपंच दानियल मसीह। असीं इंसाफ चाहुंदे आ कि साडी बेटी इंसाफ मिले ते दोषियां नूं फड़े गिरफ्तार करन। बच्ची नूं गुमराह करदे रहे, धमकियां बहुत दिंदे रहे पास्टर जैशन गिल। साडी बेटी जी 17 तरीक नूं बीमार होई आ जी ते पास्टर जी आए आ घर साडे जशन गिल ते उन्होंने कहा भी पहले इन्होंने खरन नहीं दिता जी सानू होस्पिटल च ते बाद चों जी इन्होंने 18 तरीक नूं जी जदों बेटी फिर बीमार हुई आपां गुरदासपुर होस्पिटल च लैके गए हैं जी। सानू उदों भी नहीं पता लगा पर पास्टर जशन गिल दे बारे सानू अमृतसर गए हैं जी उदों पता चलिया जी। इन्हें साडी बेटी का रेप किया और उन्हूं प्रैगनेंट किया ते उदों बाद साडी बेटी दी जिहड़ी आ जी उह मौत हो गई है जी। बेटी साडी मरी नूं अज 40-45 दिन हो चुके आ जी, पुलिस साडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 21 साल दी मेरी बेटी ही BCO ने कीती ही जी ते इन्होंने साडी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कीती। इस करके जरा ASI ही है नाल जी इन्हां दे सरपंच साहब दे सरपंच ही जरा ये पास्टर दा भरा ही जी इन्होंने साडी कोई सुनवाई नहीं होन दित्ती अज तक जी ना साडी कोई कार्रवाई होन दित्ती। इन्होंने 174 दी कार्रवाई जिहड़ी है जी वह मैनू कहा कि धक्के नाल मेरे को साइन कराई ही जी। SHO साहब मैनू कहिंदा ही भी तेरे मैं हत्थ घड़ियां ला दांगा भी वोशन नहीं होया दा मैनू कहिंदा है भी यह गल लिख भी वोशन नहीं होया। मैं उन्होंने कहा जी वोशन बेटी का होया मैनू अंबरसर वाले ने दस्या वा जी ते मेरी इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की जी। फिर बहुत ही धक्के नाल जी बहुत SSP साहब नूं मिल के ते फिर जाके जी मेरा जाके 45 दिन बाद जी परचा दर्ज किया। वो भी परचे विच गुनहगार जिहड़े दोषी आ सारे नहीं पाए इन्होंने किया जी, इको पास्टर ते एक नर्स ते किया जी, जबकि सरपंच ते एक अनपछाता बंदा जी जिहड़े ये उत्थे इन्हां दी लोकेशन भी देखी जा सकती है। ये गुरदासपुर होस्पिटल दे विच भी मेरी बेटी नूं छुट्टी कराई जी ते गुरदासपुर दी डॉक्टर आ जिहड़ी इन्हां नाल मिली हुई ही जी उहदियां पर्चियां भी साडे कोल आ जी जिहदे विच उहने 5 दिन दी सानूं मेडिसिन दित्ती ही जी भी बेटी तुहाडी ठीक वा ते बेटी नूं तुसीं घर लिआ जाओ। जबकि उत्थे दूजे डॉक्टर ही उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह लिख के दित्ते जी सानूं, इन्हां ने कुछ भी होण नहीं दित्ता जी। तो इस करके मैं चाहुंदा जी मेरी बेटी का मैनूं इंसाफ मिले जी ते सरपंच डैनियल गिल नूं ते पास्टर जशन गिल नूं जल्द तो जल्द जिहड़ी आ ते जो इन्हां दे नाल अनपछाता बंदा जी उहदे उत्ते कार्रवाई होई। इस संबंधी जानकारी दिंदिआं थाणा दीनानगर दे SHO जतिंद्रपाल ने दस्या कि इस मामले की जांच उप अधिकारियों वालों की गई है जिस तों बाद आरोपी पादरी अते नर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है अते जल्द ही इन्हां नूं गिरफ़्तार किया जाएगा। गुरदासपुर तो GS संधु की 09 TV लई खास रिपोर्ट। इस रिगार्डिंग जिहड़ा मदई है उहदे वल्लों एक कंप्लेन जिहड़ी सीगी उह दित्ती गई सी जो बाद करने इनकुआरी DSP साहब कल सानूं मसूल हुई है जिस दे तहत ही दीनानगर पुलिस वल्लों जिहड़ी है FIR जिहड़ी उह दर्ज कर दित्ती गई है।
इस संबंधी जो दोषी ने उन्होंने घर जो रेड जो बदस्तूर जारी ने जल्द तो जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्ती कार्रवाई करते उन्होंने सलाका भेजा जाएगा।